मनोज शुक्ला ने ये बात कैसे कह दी कि हनुमान जी हमारे भगवान नहीं है। सो ये बात मैं आपको बता दूं, जितने भाई लोग देख रहे हो ना, प्लीज वीडियो को देख लेना, क्योंकि दूसरा पार्ट निकालना पड़ रहा है इनके लिए, जो कि बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से और लगातार लगातार हिंदू धर्म के बारे बोली जा रहे, सनातन धर्म के बारे। सो यार वीडियो को फुल वॉच करो, फुल वॉच करो। सो भाई लोग, आज मेरे को इसके ऊपर दूसरा पार्ट निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा नीट थी। कई भाई लोगों को पता नहीं है कि ये आदिपुरुष वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे भाई, ये लगातार 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 भाई सनातन धर्म के बारे गलत चीजें बताई जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है इन्हें। सर मैं एक अपील करूंगा, जितने भाई लोग आदिपुरुष देख के आए हूँ या फिर देखने का सोच भी रहे थे, मैं उन्हें साफ बोलूंगा यार, अगर तुम्हारे भगवान को कोई फेक बता रहा है वो भगवान नहीं है, वो यार सनातन ही नहीं हो सकता, वो भगवान को मानना वाला नहीं हो सकता, वो खुद को भगवान समझता होगा जो उनसे ये बातें कह रहा है। सो मैं आपको आज शुरू से बताता हूँ, मनोज शुक्ला जो कि आदिपुरुष के राइटर हैं, सर सीधी सी बात है, इन्होंने हमारे हनुमान जी को कहा है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ एक भक्त हैं राम जी के, उनके बल के कारण हम उनको भगवान मानते हैं। सबसे पहली बात यार देखो, आप किसी के फादर को ऐसे नहीं बोल सकते हो कि उसके फादर नहीं है। अभी आपके फादर को मैं बोलूँगा आपके फादर नहीं है तो वो बात अलग है भाई, आपको भगवान को नहीं मानते हो, आप अपने खुद को आपको भगवान समझते हो, वो ठीक है। आप थोड़े से बड़े हो, आप इतने बड़े राइटर हो, कोई यार आप डायलॉग में रखते, आपने एक तो इतने गंदे डायलॉग लिखे हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, उसके ऊपर भी यार मैंने आपकी एक वीडियो बनाई थी, शायद से आपके ऊपर नहीं पहुंची है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सोचा था कि आप एक्सेप्ट कर लोगे अपनी गलतियों को, पर ये बंदा भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये बंदा बार बार कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई, आपके इसके इंटरव्यू देख सकते हो भाई, आपको मैं इंटरव्यू दिखाता हूँ एक साइड पे, इसने अपने खुद के अकाउंट पे डाला है सर ने, इन्हें भाई क्या बोल सकते हैं अभी देखो। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर। सर आपने अभी देखा है कि इन्होंने क्या बोला है, हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी भगवान नहीं है, पर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जड़ी बूटी लेने गए, सीधा पहाड़ी ले आए। हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया, हनुमान जी भगवान थोड़ी है, हनुमान जी ने सूर्य देव से परीक्षा सारी की सारी शिक्षा ली, वो भगवान थोड़ी है भाई, वो भगवान थोड़ी है जिन्हें हम मानते हैं, जिनके इतने मंदिर हैं, जिन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी के साथ पूरा रामायण में, वो भगवान थोड़ी है भाई। जो केले बल रखते थे पूरी की पूरी लंका को जलाने का, वो भगवान थोड़ी है। जो केले दम रखते थे कि रावण को मारने का, वो भगवान थोड़ी है भाई। वो फिर कौन है आप बताओ यार, आप तो भक्त कह रहे हो। अभी मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको तो रिस्पेक्ट आएगी नहीं, क्योंकि आप तो बाजाने वाले नहीं हो, और आदिपुरुष के जितने भी भाई जितने भी ये देख रहे हैं ना कि भाई आदिपुरुष सही फिल्म बनी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भाई खुद के धर्म के बारे में सोचो यार। आपको कोई कहेगा हनुमान जी यार भगवान नहीं है, क्या बात है ये, कुछ सेंस बना के तो बनाते मूवी में सेंस नहीं है, दिमाग में क्या डाल रखा है भाई, गलती करी जा रहे हो, तेल तेरे बाप का, ये सारे डायलॉग जब इनसे पूछा गया कि तेल तेरे बाप का, ऐसे डायलॉग हनुमान जी बोलते अच्छे लगते हैं, इन्होंने क्या कहा, हमारे गांव में ऐसे ही बताया गया है कि हनुमान जी एक बहुत ही बलशाली एक सेवक थे, दास थे, इन्होंने ऐसे अपने इंटरव्यू में बताया है। भाई अपने इंटरव्यू में जो मर्जी कहा हो, जो उनसे भी आप गाँव में रहते हो, वो गाँव मेरे को तो लगता है जहाँ फिर भाई अमेरिका में पढ़ता है, अमेरिका में या फिर कैनेडा में, या फिर यहाँ पे पढ़ता ही नहीं है, आप पीके फिल्म से आए हो या फिर क्यों भाई, पीके फिल्म से आए लगते हो, पीके फिल्म ने भी हमारी फिल्म का विरोध किया था, उस पर भी आप कुछ लोग बोले, आप लोग तो भाई कर ही जाओगे, लेकिन जोन से भाई लोग समझ रहे हैं कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों को समझ रहे हैं, वो वीडियो को यार प्लीज़ शेयर करो उन लोगों के पास, ऐसे लोग जो कि हनुमान जी को फेक बताते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं कि वो एक दास थे, भगत थे सिर्फ और सिर्फ, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के पास जिन लोगों को पता नहीं है हनुमान भक्त हो, तो यार प्लीज़ जय श्री राम लिख देना, जय श्री राम, और ऐसे लोगों को यार अभी मैं क्या कहूँ, आप शेयर भी नहीं करते हो, शेयर करो, ऐसे लोगों को पता लग जाए, ये मेरी वीडियो वहाँ तक चले जाए, ज़्यादातर उनके दिमाग में पड़ जाए कुछ ना कुछ तो, कि जो अब मैंने बोला है वो शायद से सही है, अगर उनको सही नहीं लग रहा है ना, अपना दिमाग का लाज भी करा के आना भाई, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, कमेंट कर दो, नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा उन हनुमान भक्त के पास शेयर करना जो कि सच में हनुमान जी को भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं जोन सी, यार प्लीज ऐसे
अंधविश्वासों पर विश्वास मत करो। वीडियो को बहुत कन शेयर कर दो, जहाँ तक मेरी बात और आपके दिलों की बात पहुंच पाए। अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो दिखती है ना जिसमें ऐसे लोग हमारे हनुमान जी और हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं, मेरे को आप ईमेल करो, मैं वहीं पे उसके ऊपर ही वीडियो, एक्सपोज वीडियो पूरी ट्राई करूंगा बनाने की। सर प्लीज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे शेयर कर देना, बस आगे कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसी फिल्मों को बॉयकॉट करते रहो और ऐसी फिल्मों को देखो मत और बनने ही मत दो, इनको इजाज़त ही मत दो।